भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, मनाने के लिए, वर्ड के लिए, और जो उनसे कामना हो वो पूरा करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे मतलब कि कैसा लगता है? बहुत अच्छा फील होता है हमें, मतलब बहुत शांति लगता है, अच्छा फील होता है, यहाँ पे सुकून है। रोज पूजा करते हैं, पूजा करना बहुत अच्छा लगता है, खासकर सावन का सोमवारी को तो और अच्छा लगता है। अगर पटना में हम रहते हैं तो भगवान शंकर मुझे बुला लेते हैं और बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को हम समझाते हैं कि जिस दिन स्कूल बंद रहे उस दिन मंदिर जरूर जाओ। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज 24। सावन का महीना चल रहा है, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंकड़बाग के शिव मंदिर में और यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु दिख रहे हैं आपको। और ऐसा नहीं है कि सुबह का समय है, अभी समय हो रहा है 12:30 से 1 के करीब। यहाँ पर इतने दोपहर में, इतने गर्मी में भी यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु मौजूद है। तो आइए हम आपसे यहाँ के पंडित से बात करवाते हैं और यहाँ के कुछ लोगों से बात करवाते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है और इस सावन का क्या महत्व है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है और सावन का महीना चल रहा है, यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आए भी हैं और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर पंडित जी भी मौजूद हैं। आइए सबसे पहले यहाँ के पंडित जी से जानते हैं कि सावन का क्या महत्व है। और नमस्कार पंडित जी, आपका नाम? विपिन पांडे। अच्छा, आप मतलब कहाँ के रहने वाले? बाढ़ पर सावन। अच्छा पंडित जी, जैसे कि इस बार 2 महीने का सावन है, ठीक है, तो इसका क्या महत्व है? दोनों तो पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, उसमें और पूजा पाठ और होगा विशेष। अच्छा, तो सावन मनाने का, 2 महीने का नहीं, सावन मनाने का क्या एक नियम है कि किस नियम से सावन मनाया? सावन में भगवान भोलेनाथ का विशेष पूजन होता है, क्योंकि वो विष भी लिए थे इसलिए गंगा जल उनके ऊपर चढ़ाया जाता है, बेलपत्र चढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे साथ कुछ छोटे छोटे भक्त भी मौजूद हैं। तो तुम्हारा नाम बाबू? मेरा नाम प्रियांशु उपाध्याय। प्रियांशु, आपका? दिव्यांशु उपाध्याय। अच्छा, आपको भोलेनाथ कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम हिमांशु उपाध्याय है। अच्छा, आपको भोलेनाथ कैसे लगते हैं? हाँ, भोलेनाथ कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको? बहुत अच्छा। किस क्लास में आप लोग? 5 में पढ़ते हैं। किस स्कूल में? केंद्रीय विद्यालय। आप भी? हाँ। आप डैडी हैं? तो आप बताइए कि यहाँ आप कब से आ रहे हैं? सर, यहाँ वर्ष देखो, इस मोहल्ले में हम लगभग 1.5 साल पहले आए, 1 जनवरी से लगातार आ रहे हैं। अगर पटना में हम रहते हैं तो भगवान शंकर मुझे बुला लेते हैं, पटना से बाहर होते हैं तो 2 दिन छुट्टा होगा और बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को हम समझाते हैं कि जिस दिन स्कूल बंद रहे उस दिन मंदिर जरूर जाओ। आज स्कूल बंद है, इस वजह से सारे बच्चे के साथ हैं, अब जाएंगे अपना, हम काम पर जाएंगे, ये लोग अपना पढ़ाई में लगेंगे। अच्छा सर, जैसे कि महत्व क्या है, जैसे सावन, इस सावन 2 महीने का सावन है? सावन का महत्व तो ऐसा, भगवान शंकर का तो महत्व सालों भर का है भाई जी, लेकिन सावन में सोमवार भगवान शंकर को जहाँ तक हम जानते हैं बहुत प्रिय है और ये तो अमावस्या का सोमवार ही पड़ रहा है तो विशेष महत्व हो जाता है। और इस बार 2 महीने का सावन पड़ रहा है तो देवघर जाने का आपका कोई प्लान होता है? देवघर हम ऐसे लगातार जाते हैं, प्रत्येक महीना जाते हैं, 1-2 गैप होता है, लेकिन पहले जाते थे, अब कांवर लेके नहीं जा पाते हैं, हिम्मत नहीं करती है, तो इस महीने देवघर जाने का, फिर अगर बाबा बुलाएं तो जा सकते हैं। देखा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग, छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे, हर कोई भोलेनाथ के दर्शन को उत्सुक है। तो आइए हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़े हैं जिनसे हम जानते हैं कि वो भोलेनाथ के बारे में क्या सोचते हैं। आपका नाम? आस्था। आपका? रोशनी। सिया। अच्छा, आप लोग यहाँ शुरू से आते हैं? हाँ। अच्छा, यहाँ पे मतलब कि कैसा लगता है? बहुत अच्छा फील होता है हमें, मतलब बहुत शांति लगता है, अच्छा फील होता है, यहाँ पे सुकून है। अच्छा, आप लोग डर रही हैं? डर नहीं रही है। अच्छा, सावन से आप क्या समझती हैं, सावन के बारे में आप क्या जानती हैं? अच्छा, जैसे कि भोले, हाँ, शिव जी का जब विष पिए थे तो उन पर जल ढारा जाता है ताकि वही। अच्छा, यहाँ पर आने का कारण, कि यहाँ पर किस कारण से आप आके मतलब बैठी रहती हैं, कुछ मतलब कारण, शांति मिलती होगी या फिर कुछ? हाँ, यहाँ मतलब पूजा करके बैठने के बाद बहुत शांति लगता है, अच्छा लगता है यहाँ, मतलब मंदिर ऐसे तो बहुत केओटिक रहता है पूरा सिचुएशन हमेशा, कभी कोचिंग जाना कभी ये जाना, बट यहाँ आके सुकून मिलता है हमें। सेम सेम। हाँ। अच्छा, इनके करवाना है
हाँ भी करवाएंगे। चलिए थैंक यू। अच्छा यहाँ का आपको मैं दृश्य दिखाता हूँ, यहाँ पे नंदी भगवान है जो कि भोलेनाथ के एकदम सीधे रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नंदी भगवान और इनके सीधे में भोलेनाथ इनके मुख के एकदम सामने, और वहाँ पर भोलेनाथ का दर्शन इन्हें हमेशा होते रहता है और सामने जल चढ़ते रहता है, दूध चढ़ते रहता है, और ये लोगों को देखते भी हैं और पूरी तरह से आशीर्वाद इनका लोगों पर पड़ता भी है। तो आइए अंदर चलकर देखते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भक्त लोगों का कितना जमावड़ा है और यहाँ पर पूरी तरह से दूध जल बेलपत्र जो चढ़ा सकते हैं लोग चढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं शिवलिंग कितना सुंदर लग रहा है और बेलपत्र ऊपर से जल फिर दूध और सारा यहाँ पे। अच्छा ये कुछ लोगों से भी जानते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। अच्छा आप यहाँ कब से आते हैं? बहुत दिन से आते हैं। अच्छा सावन से आप क्या समझते हैं, सावन का क्या महत्व है? सावन का बहुत बड़ा महत्व होता है, सावन में सबको यहाँ आके जल ढारते हैं। अच्छा इस बार 2 महीने का सावन है? जी 2 महीने का सावन है। तो अच्छा यहाँ पर आप अकेले आते हैं या फिर परिवार के साथ? अभी तो हमारे बच्चे आए हुए हैं। नाम आपका? आरव। आरव किस क्लास में? 5। अच्छा यहाँ आकर आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, हमेशा आना चाहते हैं? हाँ। आपका टी शर्ट भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। आइए यहाँ पर, आप यहाँ पर सावन में आए या फिर रेगुलर आते रहते हैं? नहीं हम सावन में आते हैं, सोमवारी को आते हैं और अपने घर पर हम शंकर भगवान के रखे हुए हैं, रोज पूजा करते हैं। पूजा करना बहुत अच्छा लगता है, खासकर सावन का सोमवारी को तो और अच्छा लगता है, बहुत सालों से इंतजार रहता है सावन का सोमवारी के लिए। अच्छा इस बार 2 महीने का सावन हो रहा है, उसके बारे में आप क्या? तो दो महीने का सावन है तो कितना का मानता है कि बिहार में जो है जो 4 सोमवारी करेंगे और बाहर वाले सभी करेंगे। बिहार वाले जब मानते हैं कि हम लोग का भगवान जो है राजगीर में चले जाते हैं सब देवी देवता उठकर, इसलिए 4 सोमवारी दो ही वाला दो पीछे वाला करेगा और बाकी तो बिहार के बाहर वाले तो सभी अपना मन के ऊपर हैं। अच्छा यानी सावन मनाया क्यों जाता है, हर चीज़ के पीछे कहानी होती है? सावन मनाया जाता है कि पार्वती जी का बहुत दिन से थी शंकर भगवान के लिए इंतजार था अपना पति के रूप में पाने के लिए, हिमालय राजा के यहाँ जन्म ली थी और पार्वती जी जन्म ली और शंकर भगवान के लिए पूजा की, बहुत घोर तपस्या की और इसी के सोमवारी हर सोमवारी करती थी और इस शंकर भगवान का पाने के लिए। अच्छा आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालुओं के चेहरे पर जो खुशी है वो खुशी रहनी भी चाहिए क्योंकि सावन का मौसम है। अच्छा आप यहाँ पर कब से आती हैं, सावन में ही आती हैं या फिर रेगुलर आती हैं? रेगुलर। अच्छा सावन से आप क्या समझती हैं कि सावन क्यों मनाएं? भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, मनाने के लिए, वर्ड के लिए और जो उनसे कामना हो वो पूरा करने के लिए। सोमवारी करती हैं? हाँ 8 सोमवारी करते हैं। क्या बोलना है, सावन क्यों मनाया जाता है? सावन इसके लिए मनाया जाता है क्योंकि पार्वती माता शंकर भगवान को मनाते हैं और ये क्या बोलते हैं सावन हम लोग के लिए महत्व होती है और ये क्या बोलती हैं सावन ये बहुत सारा चीज़ हम लोग के लिए बहुत अच्छा लगता है। अच्छा आप यहाँ रेगुलर आते हैं या फिर बस सावन? हम रेगुलर सोमवार को आते हैं पूजा करने और सावन ये क्या बोलते हैं फास्टिंग पे भी रहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर बहुत लोगों का अपना अपना मानना है कि सावन किस लिए मनाया जाता है और सावन को लेकर वो लोग क्या सोचते हैं, और यहाँ पर रेगुलर का भीड़ से सावन का भीड़ को मिलाकर देखें तो कहाँ भीड़ ज़्यादा लगता है। अभी 1 बज रहा है और इस वक्त भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है जो कि साफ दिखाता है कि सावन कितना असर करता है लोगों के दिल में और लोगों के दिमाग में। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, आप देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मैं नंदन, कैमरामैन रंजीत के साथ, धन्यवाद।